गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल द एसआरके व्लॉग्स। जैसा कि हम कश्मीर पहुंच चुके थे और कृष्णा होटल में हमने स्टे करा था, तो सुबह में चेकआउट करना था और चेकआउट अब हम करने लगे थे एंड इसके बाद हमने जाना था ब्रेकफास्ट करने, उसके बाद हमने जाना था शंकराचार्य टेम्पल। तो आपको लेके चलते हैं कृष्णा होटल से कृष्णा ढाबा की तरफ, जो कि डल झील के बिल्कुल अपोजिट और बिल्कुल पास में है। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट मिल जाता है, जैसे कि आपको आलू पराठा, पनीर पराठा एंड मैनी मोर। चाय भी साथ में मिलती है, अचार भी मिलता है और बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा फ़न किया और ढेर सारा खाना खा के हम ना निकल पड़े शंकराचार्य टेम्पल के लिए। शंकराचार्य टेम्पल जो कि अगर आपने जाना हो शंकराचार्य टेम्पल, तो वहाँ पर जाने के लिए आपको डल गेट के सामने से ई रिक्शा या फिर किराए पर गाड़ियाँ आसानी से मिल जाएंगी, जो आपको एक निर्धारित स्थान पर छोड़ेंगी। उस स्थान से आपको फिर ऑटो या फिर रिक्शा लेकर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचना होगा। आप चाहें तो ये दूरी पैदल भी बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मंदिर के अंदर आपको कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रीनगर में डल झील के खूबसूरत नज़ारे निश्चित रूप से बेहद सुकून देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ के मंदिरों में आपको एक अलग सी शांति भी मिलेगी। एक से एक बढ़कर एक खूबसूरत मंदिरों में एक शंकराचार्य मंदिर, जहाँ पर भारत का समृद्ध इतिहास आज भी जीवित है। जी हाँ, ये वो मंदिर है जहाँ पर मुगल शासक शाहजहाँ ने अपना स्तंभ बनवाया था। आइए डालते हैं एक नज़र मंदिर से जुड़ी और भी रोचक बातों पर। शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर के जिस पहाड़ पर बना हुआ है, उसे गोपात्री के नाम से भी जाना जाता है। अद्वैतवाद के महान प्रणेता शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीरी पंडित मानते हैं कि 8वीं सदी में आदि शंकरा यहाँ पर आए थे, इस वजह से ही इस मंदिर का नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ा। भगवान शिव का ये मंदिर जेठेश्वर महादेव के नाम से भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। आप देखिए कि जब मंदिर की ओर सभी श्रद्धालु जाते हैं, तो इस तरह की रोड जो है, क्योंकि एक 1100 फीट की ऊंचाई, श्रीनगर से 1100 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर जो है स्थित है, श्रद्धालुओं का ज़्यादा रश होने की वजह से आगे का सफ़र जो है हमें पैदल ही तय करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी चेक से पहले आपको ठीक जो है एक भंडारा मिलता है, जहाँ पे आपको भोले बाबा का प्रसाद खाने को दिया जाता है। प्रसाद में आपको दाल, चावल और खट्टा जो है वो सर्व किया जाता है प्रसाद के रूप में, और इसके बाद जो है आपका सिक्योरिटी चेक जो है आरंभ हो जाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको करीब 244 सीढ़ियाँ चढ़कर सभी श्रद्धालुओं को मंदिर के सामने पहुँचना पड़ता है। इतनी ऊँचाई पर स्थित होने की वजह से इस मंदिर से श्रीनगर शहर और पूरे डल झील का भव्य नज़ारा देखने को मिलता है, जो कि आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि शाहजहां ने बनवाई थी मंदिर की छत और स्तंभ। गर्भगृह में भगवान शिव का विशालकाय शिवलिंग जो है वो स्थापित करवाया गया है। इस मंदिर की शैली को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 6ठी या 7वीं शताब्दी में बनवाया गया था। गर्भगृह से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद आपको पत्थरों से बना ही एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है, जिसे शंकराचार्य की तपस्या स्थल माना जाता है, जो आगे जाकर इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्लीज़ पूरी के पूरे जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा गोपादित्य ने 371 ईस्वी पूर्व में करवाया था। उसके बाद डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह ने मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। इस मंदिर की वास्तुकला भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि यहां से जो है श्रीनगर का पूरा जो दृश्य है बहुत ही खूबसूरत और मन लुभावना होता है। और बिजली की व्यवस्था जो है महाराजा गुलाब सिंह ने यहाँ पर 1925 में ही करवा दी थी, लोगों का ऐसा कहना है।
तो दोस्तों ये रहा वो नज़ारा जहाँ से आपको पूरा का पूरा श्रीनगर एक हाथ की हथेली की तरह दिखता है। श्रीनगर की डल झील, श्रीनगर के शिकारास, हाउस बोट्स, होटल, हर एक चीज़ जो है वो दिखती है। तो जिस की मैं बात कर रहा था वो यही है, ये वही गुफा है जिसके अंदर आपको जाना है और अंदर जाके आपको जो है शंकराचार्य जी के दर्शन होते हैं, जहाँ पे उन्होंने कई सालों तक जो है तपस्या करी थी। तो दोस्तों यही थी हमारे शंकराचार्य के दर्शन करने की यात्रा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सो टिल देन, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।